गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और हम यूजीसी नेट जेआरएफ का फर्स्ट पेपर में पर्यावरण वाला टॉपिक देख रहे हैं। पार्ट वन में हमने जो है 41 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं और पार्ट टू में हम 42 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और ये आपकी रिवीजन के लिए जो है बहुत ही हेल्पफुल है और ज़रूरी भी है। तो शुरू करते हैं। इसमें हम पहला क्वेश्चन अर्थात 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वायु प्रदूषक को मुख्य रूप से किस में वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। वायु प्रदूषकों को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक है प्राथमिक और दूसरा है माध्यमिक प्रदूषक। और ये प्राथमिक और माध्यमिक क्या हैं? प्राथमिक प्रदूषक वो होते हैं जो डायरेक्ट प्रदूषण के स्रोत हैं, और माध्यमिक जो वातावरण में मौजूद तत्वों से रासायनिक क्रिया करके और एक नए प्रदूषक गैस को प्रदूषक को उत्पन्न करते हैं, वो माध्यमिक प्रदूषक के तहत आते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है 43 नंबर, इसमें जो है पूछ रहा है कि प्राथमिक वायु प्रदूषक और माध्यमिक वायु प्रदूषक के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो अभी हमने जैसा बताया, इसका जो सही आंसर है वो सी हो जाएगा कि प्राथमिक प्रदूषक क्या सीधे एक प्रक्रिया से उत्सर्जित होते हैं, जबकि माध्यमिक प्रदूषक वातावरण में रासायनिक प्रतिक्रियाओं से उत्सर्जित होते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्वेश्चन जो है ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ए। आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डायरेक्ट जो है प्रत्यक्षता उत्पन्न होता है, कैसे? कोयले के जलने से। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर जो 45 है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक वायु प्रदूषक का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ओजोन जो है, ओजोन फोटोकेमिकल स्मॉग के दौरान उत्पन्न होता है और ये रासायनिक क्रिया के द्वारा जो है उत्पन्न होता है, तो ये माध्यमिक वायु प्रदूषक है। फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 46 नंबर पर। इसमें पूछ रहा है कि ये जो विभिन्न गैस हैं NO2, SO2 और SPM के बीच में ऐसी कौन सी सामान्य विशेषता है? इन तीनों में जो है सामान्य विशेषता कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ये तीनों जो है प्राथमिक प्रदूषकों के रूप में इन्हें वर्गीकृत किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 47 है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये जो है कैसे संबंधित हैं? तो ये जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ये सभी जो है प्राथमिक वायु प्रदूषक हैं जो कि अम्लीय जमाव में योगदान करते हैं। सॉरी फ्रेंड्स। और अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 जो है इसको देखते हैं। 48 नंबर जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से वायुमंडलीय प्रदूषक मुख्य रूप में किस में मौजूद हैं? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जो भी प्रदूषक हैं वो मुख्य रूप से क्षोभ मंडल और निचले समताप मंडल में जो है मौजूद होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 48 तक देख लिया हमने। 49 नंबर क्वेश्चन जो है ये पूछ रहा है कि किस पर्वतीय शिखर के पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए सागर मंथन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, कंचनजंगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, सतही ओजोन किससे उत्पन्न होता है? तो जो सतही ओजोन है वो इसका आंसर हो जाएगा ए, परिवहन क्षेत्र से उत्पन्न होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक होने वाली प्राकृतिक आपदा कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये भूकंप जो है भारत में सबसे अधिक होने वाली प्राकृतिक आपदा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु मिनी माता रोग के लिए जिम्मेदार है? तो इसमें हो जाएगा पारा अर्थात मरकरी जो है मिनी माता रोग के लिए जिम्मेदार है। और ये मल्टी टाइम आस्किंग क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रहना चाहिए आपको कि जो मरकरी है वो मिनी माता रोग के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीशे का सेवन, शीशा अर्थात लेड का जो है सेवन करने से मुख्य रूप से किसे नुकसान पहुंचता है? कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मस्तिष्क।
क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। 54 में पूछा गया है कि निम्नलिखित भौगोलिक क्षेत्र में कौन सा जीवाश्म ईंधन के जलने से CO2 के उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, उत्तरी अमेरिका। अगला क्वेश्चन है प्रवाल भित्तियों से, ये रिलेटेड है। प्रवाल भित्तियों को सागर का वर्षा वन कहा जाता है क्योंकि सागर का, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, प्रवाल भित्तियों में अत्यधिक जैव विविधता होती है इसलिए इसे सागर का वर्षा वन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है, सुपोषण से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए और इसमें जो है आपको सत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें पहला कथन कह रहा है कि सुपोषण प्रक्रिया में जल में घुली ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाती है, तो ये कथन सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि सुपोषण प्रक्रिया में जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन गलत नहीं है क्योंकि सुपोषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाती है और मांग बढ़ जाएंगी अर्थात उपभोग करने वाले जीवों की संख्या अधिक है तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती नहीं है बल्कि घटती है। जब भी सुपोषण होगा तो ऑक्सीजन की मांग क्या होगी, बढ़ जाएगी, जबकि ऑक्सीजन की मात्रा उपभोग ज़्यादा होने के कारण घट जाएगी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए, इसमें जो है केवल पहला स्टेटमेंट सही है, सही आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिकतम कालिख जो है उत्सर्जित होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी, ताप विद्युत संयंत्रों से। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑक्सीजन के स्तर में संतुलन बनाए रखा जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, प्रकाश संश्लेषण और कोशिकीय श्वसन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि वायु प्रदूषण के कारण उत्पन्न समस्याएं मूल रूप से किसे प्रभावित करती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, संचार और श्वसन प्रणाली को। क्वेश्चन नंबर 61 है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन परोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट अर्थात पैन के संदर्भ में सत्य है। पहला, यह माध्यमिक प्रदूषक है, ये सत्य है। बी है, यह तब उत्पन्न होती है जब हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, सही है, दोनों ही कथन सही है। और मानव में श्वसन रोगों का कारण ये बनता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी कथन जो हैं सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 जो है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पानी की गुणवत्ता और पानी में जैविक पदार्थ की उपस्थिति का सूचक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए, BOD यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 जो है ये सुमेलित करने के लिए कह रहा है कि कौन सा रोग और उसके कारण। तो इसमें ये तीनों ही सुमेलित हैं, ऑस्टियोपोरोसिस जो है फ्लोरीन के कारण होता है, ल्यूकेमिया जो है एस्ट्रोटियम 90 के कारण होता है, फेफड़ों का कैंसर जो है वो बेंजोपाइरन के कारण होता है। इसलिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है निम्नलिखित में से ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डेसिबल का उपयोग किया जाता है, आप भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आवृत्ति रेंज में मनुष्य के कान शोर के लिए सबसे ज़्यादा संवेदनशील हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, 13 से 16 किलो हर्ट पे जो है मनुष्य का कान शोर के लिए सबसे ज़्यादा संवेदनशील होता है। अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 66 कह रहा है, कोलकाता मेट्रो शहर में वायु प्रदूषण का सब जो प्रमुख कारण है वो क्या है। तो वो कारण है कार्बन मोनोऑक्साइड। हमारा अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र अर्थात थर्मल प्लांट में मुख्य रिसाव है। तो सही आंसर हो जाएगा फ्लाई एश, जहाँ भी कोयला आधारित बिजली का उत्पादन होता है तो वहाँ जो फ्लाई एश होता है
जो लाख बहुत ही बारीक होती है, उड़ती है, वो जो है एक मुख्य रिसाव है, उसका डिस्चार्ज है। और एक ये बहुत बड़ी समस्या भी है जिसका समाधान भी ढूंढा जा रहा है। फ्लाई ऐश को जो सड़क बनती है उसमें इसका यूज करने के लिए जो है प्रयोग किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 68 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रयोज्य एवं अच्छी गुणवत्ता वाले जल की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए प्रयोग की जा सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, क्लोरीनीकरण। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 जो है पूछ रहा है निम्नलिखित में से मलेरिया का मुख्य कारण क्या होता है। तो आंसर हो जाएगा सी, परजीवी संक्रमण। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से किसके स्तर में वृद्धि के कारण ओजोन रिक्तिकरण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को शॉर्ट में जो है CFC कहते हैं, जो कि हमारी जो रेफ्रिजरेटर है यानी फ्रिज है, एयर कंडीशन है, इनमें इनका उपयोग होता है और ये ओजोन रिक्तिकरण का एक प्रमुख कारण है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 पूछा कि अम्लीय वर्षा से किस प्रकार की जो है रासायनिक अपक्षय बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोलिसिस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 जो है देखते हैं हम। 72 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पृथ्वी की सतह पर या निकट चट्टान के विघटन का कारण बनती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, भौतिक अपक्षय। क्वेश्चन नंबर 73 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन ले जाने के लिए रक्त की क्षमता को कम करके स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये भी कई बार पूछा गया है, काफ़ी मतलब इस तरह प्रचलित क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हमारे रक्त में जो ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता है उसको प्रभावित करती है और कई बार इसके कारण मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। नाइट्रोजन ऑक्साइड मानव स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती है। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखेंगे, नाइट्रोजन की बात हो तो वो अलग चीज़ है और नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात हो तो ये अलग बात है। नाइट्रोजन ऑक्साइड मानव स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती है, तो ये जो है बी इसका सही है, अस्थमा की समस्या को जो है और भी ये भयानक भयावह बना देता है। क्वेश्चन नंबर 75 है हमारा, ये कह रहा है कि ओजोन एक माध्यमिक वायु प्रदूषक है। इसको हमेशा याद रखेंगे कि ओजोन जो है अपने आप में एक माध्यमिक वायु प्रदूषक है, न कि प्राथमिक है। तो इसको माध्यमिक वायु प्रदूषक के रूप में माना जाता है। क्यों माना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि यह वातावरण में रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा बनी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 76 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन सा गाड़ियों और ट्रकों से प्रदूषण का महत्वपूर्ण स्रोत नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हाइड्रोकार्बन। बाकी अन्य जो हैं वो गाड़ियों से प्रदूषण का स्रोत हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 77 है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से सल्फर डाइऑक्साइड मुख्य रूप से निकलता है, किससे निकलता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कारों और ट्रकों से मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 78 नंबर पे। नाइट्रोजन ऑक्साइड की उच्च एकाग्रता से कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है। सिर का दर्द ये सही है, चक्कर आना, श्वसन की समस्या, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि कीटनाशकों की अत्यधिक अनावृत्ति से मुख्य रूप से किसको नुकसान पहुंचता है। तो कीटनाशकों की अत्यधिक अनावृत्ति से मुख्य रूप से जो है अंतःस्रावी और प्रतिरक्षा प्रणाली को नुकसान पहुंचता है। मुख्य रूप से आप याद रखेंगे प्रतिरक्षा प्रणाली जो है वो मुख्य रूप से प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 है निम्नलिखित में से कौन सा रोग कीटनाशकों के अत्यधिक अनावृत्ति के कारण होता है। तो इसमें जो है सही आंसर हो जाएगा सी, कैंसर और मस्तिष्क संबंधी समस्याएं, ये जो है कीटनाशकों के अत्यधिक अनावृत्ति के कारण उत्पन्न होती हैं। क्वेश्चन नंबर 81 जो है पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन ओजोन रिक्तिकरण के लिए उत्तरदायी है।
तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है सीएफसी। अभी जो हमने पीछे पढ़ा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि फ्रिज में और एयर कंडीशन वगैरह में यूज होता है, वो ओजोन के रिक्तिकरण के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 82 जो है कहता है कि निम्नलिखित में से धुंध का ऐसा कौन सा घटक है जो आँखों में जलन का कारण बनता है। तो ये मल्टी टाइम आस्किंग क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। पैन जो है वो प्रमुख कारण है, धुंध का एक घटक है जो आँखों में जलन का कारण बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। कीटनाशक जो है प्रत्यक्ष रूप से तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो है एल्ड्रिन। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक मुख्य रूप से डीजल ईंधन के जलने से निर्मुक्त होते हैं तथा प्रकाश रासायनिक धुंध के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। और अगला हमारा क्वेश्चन है 85 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन वातावरण में लेड अर्थात सीसा के विमोचन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पेट्रोल। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम अगले पार्ट में देखेंगे। और बार बार रिवीजन करते रहिए, पेपर जो है वो आसान ही होता है, बस आप प्रैक्टिस नहीं करते और प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। और कई बार आपको लगता है कि हाँ दो चार क्वेश्चन और बढ़ जाते तो अच्छा परसेंटेज आता, तो उसके लिए आपको बार बार रिवीजन करने की आवश्यकता है। जिसे आसान समझ के अवॉइड करते हैं वही आपके मेरिट को अच्छा बना देता है। तो रिवीजन लगातार करते रहिए। बेस्ट विशेज आप सभी के लिए एग्ज़ाम के लिए। धन्यवाद।